वेलकम टू पार्ट टू। भाई देख लो ये नजारा फिर नहीं मिलेगा देखने को। पूरा सनसेट कितना जबरदस्त, बिल्कुल परफेक्ट भाई। ये मारे जा जाकर अपने हाथ हिला दो, आ जाओ इतने मस्त नजारे हैं अंदर। ये हमारी गर्ल्स गैंग और ये हमारी हवा जी। चलो भाई अब सीधा नीचे जाके मिलते हैं आपको। फोन में बैटरी होने वाली है खत्म। ये इस रास्ते से 15 मिनट बचाने के लिए जा रहे हैं इस रास्ते से। ये हमारी सेफ लैंडिंग है। ये भाई अपनी फुल एलर्जी दिखाते हुए, लेकिन एलर्जी फुस लग रही है। हमें तो फुस लग रही है। फिर से करो। हमारी लड़कियां देख लो भाई, इस भाई की लाठी खोसण में पूरा जोर लगा रही है। बेचारे लहराल तो लाठी संग खड़े भी ना होना दे रही। पाठ बनना दियो इन्हें। इन ठाले चल लो भाई, अपने घर ले चल ले। यही ले यो केस होता ना गा रखा है। ये भाई हमारी अम्मी आ गई है। फुल मस्त मजे आ गया भाई। तुम तो सोचे ना सकते हमने के देख लिया। तुम सोच भी नहीं सकते। तुम सोच भी ना सकते हमने क्या देखा। बहुत ज्यादा मस्ती की। हम कई पहाड़ियों पे चढ़े और हेलीकॉप्टर। देख लो भाई, अब ये लोग जो ऊपर नहीं चढ़ पाए, इन सब की बहस है। अबले ज्यादा मजे करे। और हमारी तो जर्नी आपने देखी। अब आप देख लेना किसने कितने मजे करे। सिस्टम भाई, एक नंबर के मजे आ गए। बिल्कुल कभी कांचे कट गए हैं। अरे बम भाई अपनी ट्रिप व्रिप करके उल्टे चाल पड़े हैं। यारे तो आप देखेंगे 11:30 11 बजे तक लगभग ट्रैवल करेंगे। फिर देखते हैं कहाँ पहुंचेंगे। फिर देखेंगे 12 बजे अपना कोई बढ़िया सा सपोर्ट वगैरह देख के मस्त डांस वगैरह करेंगे गाड़ी में ही गाड़े बजा के। और फिर अपना न्यू ईयर सेलिब्रेट करके खा पी के सोने चलते हैं। आपको बाकी सब रास्ते में अपडेट करते रहेंगे। ओके है भाई, यहाँ पे रुक गए हैं अपना खाना पानी करने के लिए। पराठे और चाय करवा दिए भाई। और ये देखो कितना बढ़िया घोंसला और चिड़िया कैसे बैठी हुई है। एक नंबर का सिस्टम कर रखा है चिड़िया ने भी। बाकी करते हैं अभी पराठे चाय, आने के बाद अपडेट देते हैं आपको। गाइज यहाँ पे रुक गए हैं हम। यहाँ पे रात के 9 बजे है और हम लोग यहाँ पे रुक गए। अब यहाँ पे बंद मस्त ताला लगा हुआ है। यहाँ पे हम लाइट वगैरह ऑन करके गाड़ी में फुल म्यूजिक करके फुल ऑन डांस करेंगे अपने 2-3 घंटे और फिर न्यू ईयर मनाएंगे। चलो भाई डांस की आपको क्लिप दिखाएंगे बीच बीच में। चलो हो जाते शुरू। कैसा घोटाला, चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप गुप चुप सोया था बहनोई पे, सोया था बहनोई तने समझ के सो गई। राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। कदमों के नीचे आ गई, सात समंदर बार तेरे पीछे पीछे आ गई। हैप्पी न्यू ईयर, हैप्पी न्यू ईयर, यो हैप्पी न्यू ईयर के काट दे। ओ हैप्पी न्यू ईयर, यो हैप्पी न्यू ईयर। तो भाई 1 जनवरी 2023 सुबह के बज गए हैं 10। आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर।
कल तो यार रात को रोड पे इतना नाच नाच के हालत खराब हो गई कि कब किस टाइम आए आते ही पड़ के सो गए। अभी भी आंखें देखो कैसे सूजी हुई है। फुल डांस फुल मस्ती करी भाई आज। अब सहस्त्र धारा देख के और फिर निकलते हैं अपने घर। थोड़ा थोड़ा सूरज भी दिखने लग गया। सहस्त्र धारा देखने आ गए यार। यहाँ पे देख पहले बहुत पानी बता रहे थे, अब तो ऐसा ही है, प्रेशर भी हल्का ही है। ऐसा ही है, देखने आ गया, अपना टाइम पास करते हैं। इस तरफ मंदिर वंदिर वगैरह भी है, उसमें भी चलेंगे, बाकी बना लेते हैं। देख ये देखो भाई मारी मम्मी का पोज देख लो, फोटो खिंचवाते ये इसे पोज बढ़ा लाग रही है यार। ये देखो भाई कितना बढ़िया पानी गिर रहा है कति मंदिर की चोटी में। अंदर गुफा भी है भाई इसके। ये भाई द्रोण की मूर्ति देख लो, यहाँ पे द्रोण गुफा है, इस पूरे के अंदर गुफा ही गुफा है भाई। ये अंदर गुफा देखो और गुफा में इंद्रधनुष भाई, कितना जबरदस्त लग रहा है, कितना मस्त नजारा है। ये भाई गुफा में घुस गए हमारे मामा जी। भाई यहाँ पे है ना, जितनी इस तरफ होते जा रहे इंद्रधनुष उतना ही बढ़िया और खूबसूरत होता जा रहा है। हाँ दिख रहा है, ये देखो भाई इंद्रधनुष। ये भाई बच्चा पार्टी अंदर घुस चुकी है, हम लोग भी अभी अंदर घुसेंगे, फिर आपको अंदर से दिखाते हैं क्या नजारा है। ये देखो भाई हमने भी गुफा के अंदर घुस चुके हैं। गुफा के अंदर देखो, यहाँ पे बैठ के तपस्या करो, अंदर बच्चा पार्टी भी बैठी हुई है। रिया कैमरा पकड़ियो, उठ नहीं गया भाई सारे हो चुके हैं गिल्ले, सब अपनी ड्रेस वगैरह निकल रहे हैं और सामने लग चुका है पूरा का पूरा जाम। यहाँ से निकलते हैं जल्द, बस जूते जुराब वगैरह निकाल दिए, अब निकलते हैं यहाँ से सीधा घर की तरफ। घर है बीच में, रास्ते में फुल एंटरटेनमेंट करते चले गए, दिखाते हैं आपको। ये भाई यहाँ पे मेरी मौसी का लड़का पढ़ता है, उसका यहाँ पे रामदेव के गुरुकुल में एडमिशन करवा रखा है, तो सोचा न्यू ईयर पे अब यहाँ तक पहुँचे हैं तो उसको भी आके सरप्राइज दे देते हैं। यहाँ बच्चे खेल रहे हैं, पूछते हैं कहाँ पे हो, फिर उसे सरप्राइज देते हैं। ये आ गया भाई हमारा लौंडा, इस लौंडे का रिएक्शन लेते हैं। शुभ शरावत जी, शुभ शरावत जी, हैप्पी न्यू ईयर। सबके पैर छूता हुआ लौंडा। ये यहाँ पे बच्चों के रहने की जगह है और पीछे खेलने कूदने का ये हवन कुंड और बाहर भी ग्राउंड है बच्चों के लिए, तो फैसिलिटीज तो सही है। इन लौंडे को बाय कर दिए, बाय शो, बाय बाय करके भाई अब निकल रहे हैं हम सारे। लड़का बिल्कुल खुश हो गया भाई न्यू ईयर पे सरप्राइज दे के। एक घंटा ज्यादा बेशक लग गया हो, लेकिन लौंडे की खुशी देख के मजा आ गया। चलो भाई चलते हैं, अब सीधा घर जाके रुकेंगे। भाई यहाँ पे आते हुए सोचा चलो मूर्थल चलते हैं पराठा खाने, लेकिन यहाँ का सीन रुको अभी आपको दिखाते हैं। गाड़ियों की भाई अंदर एंट्री कर रखी है बंद, और बाहर से इतनी गाड़ी खड़ी है, लगभग 4-5 किलोमीटर गाड़ियां ही खड़ी हुई है। यहाँ से हम लोग भी अपनी गाड़ी आगे पार्क करके पैदल जा रहे हैं, और अमरीक सुखदेव के सामने इतनी भीड़ है भाई, खड़े होने की भी जगह नहीं है। चलो देखते हैं सीट मिलती है नहीं मिलती है, बताते हैं आपको। भीड़ देखो भाई भीड़, मूर्तल कब लग रहा है, ये किसी की शादी में घुस गया, भंडारा चल रहा है।
भाई भीड़ देखो, यहाँ पे सीट उठ के खड़ा होना पड़ रहा है। हम भी यहाँ पे इन भाई लोग की सीट उठ के खड़े हो गए हैं, इनके उठते ही हम बैठ जाएंगे, यही सिस्टम चल रहा है। इतनी ज्यादा भीड़ है, पैर रखने की भी जगह नहीं है। गाइस फाइनली आध घंटा वेट करने के बाद हमें सीट मिली गई है। सीट उठ के खड़े हुए थे, आध घंटा वेट करने के बाद बड़ी मुश्किल से मिली है। अब भाई इतना हो रहा है, बिल्कुल एक एक सेकंड रुका नहीं जा रहा। ऐसा हो रहा है अचार को ही उठा के सीधा खा जाओ। अब ये ऑर्डर करते हैं, फिर अब सीधा घर पहुंच के मिलते हैं आपको। भाई खा पी के निकल लिए घर की तरफ और सबकी हालत हो चुकी है बिल्कुल टाइट। और हम में से तीन लोगों को 12:02 हो गए, तीन लोगों को सुबह मॉर्निंग ड्यूटी जाना और बच्चों का कल है पेपर। उसके बाद आप सीधा जाके बस सो जाएंगे। और रास्ते पे देखो कुछ नहीं दिख रहा, इतनी ज्यादा धुंध है। फाइनली घर की तरफ नजफगढ़ पहुंच चुके हैं हम, रात के बज गए हैं 2। लेकिन भाई ट्रिप में पूरा मजा आ गया भाई। और भाई स्पेशल थैंक यू, स्पेशल शाउट आउट टू ऋत्विक, ऋत्विक के लिए धन्यवाद बोल दो भाई सारे। थैंक यू सो मच ऋत्विक, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद। बाकी यार ऋत्विक एयरबीएनबी ये लगाने वाला अपने घर को, तो देहरादून की तरफ किसी को जाना हो तो उनका घर जरूर देखना। घर नहीं भाई, पूरा बंगला है का और काफी बढ़िया बना हुआ है, बिल्कुल पोश एरिया में है और सारी फैसिलिटीज वगैरह सब कुछ है। धन्यवाद भाई ऋत्विक, मजा आ गया। और भाई इतना मस्त एक्सपीरियंस है, हम आपको बता नहीं सकते शब्दों में। पूरा ब्लॉग देख के ही आप लोगों को पता चलेगा कितने मजे किए हैं, कितना बढ़िया से हुई हमारी ट्रिप। तो चलो भाई थैंक यू आपके लिए, बाय बाय।